हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस। तो दोस्तों, आपके लिए एक नोटिस लेकर आया हूँ, बहुत ही स्पेशल रहेगा एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए। जो बच्चे जेई जो भी एग्ज़ाम्स निकलते हैं, जो एसएससी कंडक्ट करवाता है आज तक, जो अभी तक करवाएगा, उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी न्यूज़ ले रखा हूँ। हो सकता है कि आपको थोड़ा इसके सुनकर आपको थोड़ा राहत मिले, चैन मिले। दोस्त देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में तंगी होती है, कोई ऐसे एग्ज़ाम ना हुआ हो जिसमें बिना तंगी के बच्चों की सिलेक्शन की गई हो, ठीक है। हाल ही में अगर आपने सुना हो तो सीएसएसएल और सीजीएल के पेपर लीक हो रखे थे, ठीक है। तो दोस्तों, उसके लिए जो है रेड मारी एसीबीआई ने, और काफ़ी केस पकड़े हैं जिसमें से काफ़ी बच्चों को डिबेट भी कर दी है 7 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो ये टॉपिक मेरा रहेगा एसएससी नोटिस, जो माल प्रैक्टिस होती हैं एसएससी में, यानी कि जो नकलबाजी जो होती है, धांधलेबाजी जो होती है उसके लिए, ठीक है। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, मैंने आरटीआई लिखा था एसएससी में, ठीक है। तो उनकी तरफ से ये आ रखा है हमें कि जो माल प्रैक्टिस होती थी, जैसे कि आपको दोस्तों अगर आपको पता है कि जो ऑल इंडिया लेवल पर जो एग्जामिनेशन होता है, आपको सेंटर, आप सेंटर देते हो, आपको सेंटर वो एग्ज़ाम के लिए मिलते हैं। तो उन सेंटर्स में जो एग्ज़ाम का कंडक्ट करवाते हैं वो एसएससी कंडक्ट नहीं करवाती है। एसएससी का काम क्या है कि सिर्फ आपको बता देगा कि आपका सेंटर ये है, ठीक है। जो काम कर जो सेंटर्स जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना काम है वो होता है वेंडर। वेंडर यानी कि प्राइवेट कंपनीज हायर करते हैं एसएससी वाले, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज हायर करते हैं एसएससी वाले, और प्राइवेट कंपनी ही अलग अलग आपको एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। जैसे कि अगर आपने हिमाचल भरा है, आपने हिमाचल में भरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ आपका आपका सेंटर पड़ेगा या स्कूल या कॉलेज में, वहाँ पर जो होगा वो वेंडर होता है। वेंडर में भी कोई भी कंपनी का वेंडर हो सकता है, TCS हो सकता है, CFE हो सकता है। आपको ये बताओ कि जो फिलहाल अभी तक कंडक्ट एग्जामिनेशन हो रहे थे वो करवा रहा था CFE टेक्नोलॉजीज, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस पकड़े गए थे चीटिंग के, ठीक है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो वेंडर्स हैं वो हैं CFE, और सबसे बेस्ट दोस्तों NTA, NTS, NTA और TCS, टाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट है ये टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज, ये बहुत ही बढ़िया है, सरकारी अंडर आते हैं। तो देखिए, जो प्राइवेट है इन्होंने ही गंद डाल रखा था, यही अपने सेंटर में 5-10 मिनट पहले पेपर लीक करते थे, आधा घंटा पहले पेपर लीक कर देते थे। अपना जो PC होता था, अपने बंदे उन्होंने रखे होते थे, पैसे ले लिए, उनको पता था कि SSC का एक बंदा आता है सिर्फ चेक करने के लिए वहाँ पे, ठीक है। SSC का सर वहाँ पे एक ही बंदा आता है, चेक करता है कि चीटिंग तो नहीं हो रही है, थोड़ी देर जाता है, बैठता है, उठता है, बैठता है, चले जाता है, ठीक है। तो अभी जो है दोस्तों, अभी जो वेंडर चेंज कर दिए गए, यानी कि अभी धांधली के चांस, अगर पहले 90 होती थी तो अभी धांधली होगी 25 से 30%, क्योंकि दोस्तों CFE को हटा दिया गया है। हाँ जी, जो पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे CFE वेंडर था जो, उसके सबसे ज़्यादा चीटिंग केस होते थे, जो अभी हटा दिया गया, अभी TCS या NTA को लिया जा रहा है, ठीक है। तो इनमें चीटिंग बिल्कुल नहीं होगी, ये सबसे बेस्ट वेंडर हैं दोस्तों ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज और NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसीज, सबसे बेस्ट है। अभी चीटिंग के आसार बहुत कम पड़ गए हैं। जो बच्चे तुक्का, जो बच्चे दलाल के बारे में सोच रहे हैं कि यार दलालों से हम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसे दे के, तो भाई आपसे हाथ जोड़ती देती है, अब अपनी सीट के लिए आप ही जैसे लोगों के चक्कर में दोस्तों क्या होता है कि मेहनती बच्चा रह जाता है, ठीक है। और गद्दार बच्चे जो हो जाते हैं ना, जो सोच रहा है कि हमें कोई अपने जुगाड़ फिट करके हम वो कर देंगे, गद्दारों को पैसे दे देते हैं, तो एक नंबर के चूती है इंसान हो आप। अगर आपके दिमाग में ऐसी बात आ रही है दोस्तों, वो इंसान ऐसी दिमाग में उसकी बात आती है जो मेहनत करने से डरता है, ठीक है। आप अपनी सीट तो ले लोगे, लेकिन जो बेचारा डिजर्विंग है उसकी सीट नहीं होगी, वो बेचारा ऐसे घूम रहा होगा, बल्कि उसको नॉलेज आपसे ज़्यादा होगा, 10 गुना नॉलेज होगा, लेकिन आपने कुछ चंद इन पैसों के चक्करों में दोस्तों, कुछ चंद इन घटिया जो दलाल होते हैं इन चक्करों में आप अपने पैसे वेस्ट कराओगे। कन्फर्म नहीं होता, पहले बात बता रहा हूँ दोस्त, ठीक, पक्का नहीं होता कि आपको चीटिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्त मैं ये कहूँगा कि हाथ जोड़ के नहीं बच रहा, ऐसे कामों में ना पड़े, अपनी मेहनत से जाए, मेहनत से ही जो नौकरी मिलेगी उसका मजा कुछ अलग है। अगर आप चीटिंग के सहार से जाओगे ना, अगर आपकी ज्वाइनिंग हो भी जाती है तब भी दोस्त आप, ये चेन बनी रहती है, चेन कभी नहीं खत्म। देखो, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा, पर इसको रोका जा सकता है किसी लिमिट तक, ठीक है। इसी हिसाब से हाथ जोड़ के बनती है, SSC का वेंडर चेंज हो चुका है CFE टेक्नोलॉजी से, अभी TCS या NTA को लाने के बारे में सोचा जा रहा है। तो आपसे हाथ जोड़ के ही निवेदन है कि चीटिंग चुटिंग के चक्कर में ना पड़े, किसी दलाल को हायर ना करें, पैसे दे के काम ना करवाएं, क्योंकि पैसे दे के काम नहीं होगा इस बार, ठीक है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसलिए वीडियो बना रखी थी कि भाई मेहनती बच्चों का मकर हमारे यार कुछ चंद, आप मुझे पता है कि
नौकरी हर एक बंदे को चाहिए होती है ना, लेकिन भाई उस समय थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपको मेहनत की जो नौकरी है उसका तो बहुत उसका बहुत ही मजा आएगा, ठीक है, अलग से मजा आता है। तो हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के निवेदन है भाई कि ऐसे कामों में ना पड़ो, ठीक है, अपनी मेहनत करो। और वेंडर चेंज हो चुका है, जो खाना उखाड़ लो अभी, जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम चीटिंग करके करेंगे, जो खाना उखाड़ लो, देखो मेहनत मेहनत से ही आपको कुछ फल मिलेगा, ठीक है। बंदे सोच रहे, बंदे हायर कर लेंगे, बंदे को देखे पैसा काम फिट करवा लेंगे, तो फिट नहीं होगा, इस बार मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, करवा लो जहाँ करवाना है, ठीक है। और सबसे केस इसमें अगर बताऊँ, मेरा किसी को डीमोटिवेट करने का मतलब नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लग रहा हो तो भाड़ में जाए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिस केसेस होते हैं दिल्ली में, यूपी, बिहार, राजस्थान, ठीक है, और हिमाचल में भी हुआ दोस्त। जिस सेंटर में मैं गया था उसका नाम है बेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिमला, वहाँ पे चीटिंग का केस पकड़ा गया है, ठीक है। जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे एक सेंटर में चीटिंग का केस पकड़ा गया, सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली, यहाँ से सबसे ज़्यादा चीटिंग हो रही है। लेकिन दोस्त अभी चीटिंग का काम लगभग बंद हो चुका है, अभी चीटिंग नहीं होगी। तो मेहनत से करें जो भी करना है, अपना हक, अपना तो हक ले लोगे, दूसरे बंदे का हक ना मारें जो डिजर्विंग है। हाथ जोड़ के निवेदन एक बार फिर से, ठीक है। तो इसको, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आगे शेयर कर देना, जिन बच्चों के दिमाग में नेगेटिव बातें आ रही हैं कि हम बंदा कर लेते हैं, अभी अभी से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए, क्योंकि बम्पर वैकेंसी वैकेंसी भी इस बार लगभग ठीक ही निकल चुकी, काफ़ी निकल चुकी है, मतलब ठीक तो काफ़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग अच्छी निकली हुई है, ठीक है। एक वैकेंसी चाहिए आपको, एक इंसान को 55,000 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे वैकेंसी एक हो या दो हो, मिलेगी उसी को जो डिजर्विंग होगा, जो मेहनती होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू लगी और लगनी भी चाहिए भाई, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, जो सच्चाई बात है वो सच है। लास्ट में अगर आप बंदे कर भी लोगे, लास्ट में फंस जाओगे तो 3-4 साल के लिए बैन हो जाओगे, कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे, बेरोजगार भी बेरोजगार ही रह जाओगे तुम, ठीक है। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय भारत।